हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एमआई टीवी में आप पेन ड्राइव को कैसे लगा सकते हो। ये देखिए, हमारे पास ये है पेन ड्राइव और इस पेन ड्राइव को मैं इस टीवी में आपको लगा के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टीवी के बैक साइड में पेन ड्राइव का ऑप्शन आपको फाइंड करना है। तो ये देखिए, टीवी के बैक साइड में आप देख रहे हैं एक वाइट कलर का जो वायर लगा हुआ है, ये एक्चुअली हम पेन ड्राइव के लिए एक नया सा तार लगाते हैं ताकि बार बार पीछे हाथ ले जाना ना पड़े मुझे, ठीक है। तो जहाँ पे ये वायर लगा हुआ है वहीं पे आपको पेन ड्राइव लगा देना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे लगाता हूँ। तो आपको पीछे मैं दिखा दिया कहाँ पे इसका पोर्ट होता है यूएसबी का। अब जो पोर्ट है उसमें एक्सटेंड कर दिए हम, और ये देखिए हमारा पेन ड्राइव लगाने का यहाँ पे जगह मिल गया। तो ये जो पेन ड्राइव है इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो पेन ड्राइव है यहाँ पे लग चुका है, और ये जो वायर है पीछे इसका यूएसबी का जो पोर्ट है उसी में कनेक्टेड है, आपको पहले भी हम यहाँ पे दिखा चुके हैं। अब क्या होगा, आपको जाना है अपने रिमोट में, रिमोट ले लेना है, और ये देखिए यूएसबी का ऑप्शन यहाँ पे शो कर गया। जैसे हम पेन ड्राइव यहाँ पे लगाते हैं, ये एचपी का पेन ड्राइव है तो यहाँ पे एचपी लिखा हुआ आ रहा है। अब आपको यहाँ से रिमोट से ओके कर लेना है और जो पेन ड्राइव में जो भी फाइल होगा आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए पेन ड्राइव में जो भी फोल्डर है सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने टीवी में, ये एमआई का टीवी है, इसमें आप अपना पेन ड्राइव लगा के आप चला सकते हैं, और जो भी वीडियो है, मूवी है या इमेज है, कुछ भी है, आप पेन ड्राइव से डाटा यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।